धीरज डोपर इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री के एक जाने माने पॉपुलर एक्टर हैं जिन्होंने काफी टीवी सीरियल किए हैं। तो आइए देखते हैं धीरज डोपर ने अभी तक किन किन सीरियलों में और किन किन टीवी शोज में काम किया है। धीरज डोपर ने अपने करियर की शुरुआत कलर्स टीवी के 2009 में आए सीरियल माता पिता के चरणों में स्वर्ग से की। इस सीरियल में धीरज डोपर हमें हंस की भूमिका में दिखाई दिए थे। उसके बाद धीरज डोपर ने स्टार प्लस के सीरियल बहने में अशेष पटेल की भूमिका निभाई और यह सीरियल इनका दूसरा सीरियल था जो की 2010 में आया था। सब टीवी के सीरियल मिस्टर तेंदुलकर में सुशांत की भूमिका में नजर आए और यह सीरियल एक कॉमेडी सीरियल था और यह सीरियल 2011 में टीवी पर पहली बार प्रसारित किया गया था। उसके बाद यह हमें लाइफ होके के सीरियल जिंदगी के स्माइल प्लीज में शेखर की भूमिका में दिखे और यह सीरियल 2011 में आया था। फिर यह सोनी टीवी के 2010 में आए सीरियल कुछ तो लोग कहेंगे में अमर की भूमिका में नजर आए। जी टीवी के सीरियल कुंडली भाग्य में यह हमें करण लूथरा की भूमिका में नजर आए और इस सीरियल को लोग काफी पसंद करते हैं। फिर उसके बाद यह हमें कलर्स टीवी के 2020 में आए सीरियल नागिन 5 में आकाश अकुरा की कैमियो भूमिका में दिखे। सुहागी सिंदूर नाम के बंगाली सीरियल में भी यह हमें ध्रुवो की भूमिका में नजर आए। इनके अलावा जी टीवी के सीरियल कुमकुम भाग्य के कई एपिसोडों में भी काम कर चुके हैं और धीरज डोपर दो टीवी शोज में भी काम कर चुके हैं, पहला सारेगामा पा, दूसरा डांस इंडिया डांस। ये थी धीरज डोपर के सभी सीरियलों की और टीवी शोज की लिस्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और जो हमारे चैनल पर न्यू है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें इस वीडियो पर कॉमेंट करके बताएं कि आपको धीरज डोपर का कौन सा सीरियल सबसे अच्छा लगता है। और तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।